एक्टिंग करना उतना इजी नहीं होता जितना बचपन में हमें लगता था। मेकअप शेकअप करके सेल्फीज ले गुड्डन को सब बोलते थे कि गुड्डन से ना हो पाएगा, लेकिन गुड्डन हर दिन प्रूव करती थी कि गुड्डन से ही हो पाएगा। हाय गाइस, टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद कनिका मान। यू आर अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन who has made, you know, such a bright career out of herself. तो अपने कुछ struggle के बारे में बताओ, आप कैसे आपने अपने आप को खड़ा किया और आज आप इतनी popular गुड्डन बन गई। Actually मुंबई तक पहुँचना ही एक struggle था and मेरे लिए बाकी तो struggle होता है जो हम काम में करते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा struggle था अपने परिवार को मनाना। Because I belong to a typical हरियाणवी family, जाट family, जहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव चीज़, मतलब बहुत इजीली अलाउ नहीं किया था मुझे हर चीज़ के लिए। सबसे बड़ा स्ट्रगल वही था कि मम्मी पापा को कैसे मनाया जाए। जब आप सेट पर गए तो आपको क्या लगा, मतलब यू नो सेट लाइफ आपको कैसी लगी? एक्टिंग करना उतना इजी नहीं होता जितना बचपन में हमें लगता था कि ओ इट्स सो इजी, रेडी होके मेकअप शेकअप करके सेल्फीज ले एंड ओके हाँ हाँ वो चार लाइन बोली, तो वो उतना ईजी ऑफ कोर्स नहीं होता, इट्स वेरी हैक्टिक। लेकिन अगर पैशनेट हो एंड यूर इफ यू आर दैट पैशनेट इनफ तो इट्स इंटरेस्टिंग। जब आपने ये बोला कि इतना ईजी नहीं होता है, तो आप उस इंसिडेंट के बारे में बताइए जब यू नो आपको लगा हो कि यार अभी जान निकल रही है बट फिर भी शॉट देना है। कई बार खुद को पीछे रख के हमें शो को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ जाती है कि ओके, कई बार हमें सीन में कभी चोट लग जाती है या अदरवाइज भी हम लोग बुखार हो गया कुछ हो गया, ऐसे चीजें होती हैं। लेकिन अब क्योंकि यू नो वो एक प्रेशर होता है कि टेलीकास्ट तो शाम को ही से, लाइक आई रिमेम्बर मेरे पैर का नाखून, लेकिन कोई सीन के बीच में हुआ था कि मेरे पैर का नाखून निकल गया। आई ओ शिट, मैंने सोचा कि नहीं 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 लेट्स इग्नोर इट, नाखून निकल गया, थोड़ा सा रो रही हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि बारिश आने वाली है, बारिश आ सकती है, कभी भी सुबह से बारिश हो रही थी एंड वो सीन कंप्लीट करना ही था। हम आउटडोर लोकेशन पे थे तो वो एक अलग प्रोडक्शन के ऊपर अलग प्रेशर होता है क्योंकि उन्होंने भी आज की लोकेशन ले, कल पता नहीं लोकेशन अवेलेबल है कि नहीं कि अवेलेबल है, सो वो हो गया था। लेकिन मुझे शूट करना ही पड़ा वो सीन, तो वो सब चीज़ें होती हैं कि वो भूल के पहले तो अगर आपको लगता है कि बहुत ही ग्लैमरस लाइफ होती है, बस होती है। मजे होते हैं, वैसा होता है बट इसके साथ साथ बहुत सी चीजें। हाउ आर यू नो विमेन जनरली ट्रीटेड ऑन द सेट के ऊपर, कभी ऐसा हुआ है कि यू नो आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आपको अच्छा ना लगा हो या किसी अच्छे वे में ना बोला हो, यू नो एक तरीके से ना बोला हो या कुछ, तो हाउ आर यू नो जनरली विमेन ट्रीटेड? ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ जेंडर के बेस पे कुछ, नो देयर इज नथिंग लाइक दैट। मतलब ट्रस्ट में मुझे बहुत रिस्पेक्ट से रखा गया है पूरे 2.5 साल मेरे प्रोडक्शन में एंड मुझे लगता है 10% ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दी जाती है, अरे बच्ची है लड़की है सो हमेशा से ऐसा ही किया गया है एंड एक एक्स्ट्रा केयर मुझे तो मिली है जो मुझे लगता था ओह नो ये तो गलत हो रहा है, मेरे हीरो के साथ गलत हो रहा है कि अच्छा अरे वो लड़की है, नहीं ठीक है ठीक है उसको थोड़ा कम दे काम। सो क्यूट, सो हमेशा से ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बायस रहे हों लोग। एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन वर्किंग इन द इंडस्ट्री, अगर आप एक मैसेज दे सकते हैं उन सब गर्ल्स को जो आज आपको देख रही हैं, स्मॉल टाउन्स की हैं, बिग टाउन्स की हैं, बट दे ऑल्सो वांट टू मेक अ करियर लाइक यू, तो वो मैसेज क्या होगा? वैसे सच बताऊँ ऐसे मैसेज एक छोटी सी ही चीज़ होगी। सो मेरे कई रिलेटिव्स अभी मुझे फ़ोन करते होते हैं आजकल ना कि मेरी बेटी को भी बड़ा इंटरेस्ट है, वो रील्स बनाती है, टिकटॉक्स भी बनाती थी, उसको भी ले जाओ ना, अपनी बहन का कैरेक्टर देखो ना, वो भी ऐसा उनको लगता है कि मेरे हाथ में है एक नया कैरेक्टर क्रिएट करना, तुम बोलो ना एक बहन का भी कैरेक्टर लिख देंगे उसमें ले जाओ इसको। तो इट्स नॉट दैट ईजी, लेकिन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो एंड मैंने तो 2.5 साल की गुड्डन की जर्नी में गुड्डन के थ्रू भी यही सिखाया है कि गुड्डन को सब बोलते थे कि गुड्डन से ना हो पाएगा, लेकिन गुड्डन हर दिन प्रूव करती थी कि गुड्डन से ही हो पाएगा क्योंकि वो कोशिश करती है। पूरा परिवार कई बार एंटी खड़ा होता था लेकिन गुड्डन निकल के एंड कुछ साबित करती थी। तो थैंक गॉड कि मुझे शो भी ऐसा मिला जिससे मैंने एक हर चीज़ हर दिन कुछ ना कुछ सिखाया ही है। सो यस, अगर ईजी नहीं है तो डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बस आपको क्लियर रहना पड़ेगा अपने माइंड में कि यू नो करना क्या है, फोकस्ड होके चलना होगा, दैट्स द इजीएस्ट वे। सो थैंक यू सो मच कनिका, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। हाय, दिस इज कनिका मान एंड यू वॉचिंग मी ऑन हॉटर फ्लाई एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।